स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए 8 चीतों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्म दिवस के दिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा है। इन चीतों में से 5 मादा चीता है जबकि 3 नर चीता है, जिसे अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में एक देश है। बता दें, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में इन चीतों की संख्या बढ़ाने का एक अहम कदम है। इन 8 चीतों को इंटरकॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत कार्गो एयरक्राफ्ट के द्वारा ग्वालियर लाया गया। करीब 10 घंटे की फ्लाइट से ये 8 चीते बोइंग 748 फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा लाए गए थे। फिर इसे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर द्वारा कूनो के नेशनल पार्क में छोड़ा गया। सन 1952 से भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इन चीतों को नामीबिया के साथ एमओयूज के समझौते पर लाया गया है। जुलाई 2020 में भारत और नामीबिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत नामीबिया सरकार को 8 चीतों को भारत को सौंपना था। ये पहली दफा होगा जब कोई जंगली दक्षिण अफ्रीकी चीता भारत में दस्तक देगा। बताया ये जा रहा है कि चीतों के आ जाने से वन्य जीवन का संतुलन काफी हद तक सुधरेगा, जिससे कि बायोडायवर्सिटी का संरक्षण और मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है, जिसकी अधिकतम गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कूनो नेशनल पार्क इन चीतों के रख रखाव के लिए इसलिए भी चुना गया है क्योंकि यहाँ बड़े क्षेत्र में ग्रासलैंड के साथ छोटे पहाड़, जंगल इत्यादि हैं, जो कि चीतों के रहने के लिए अनुकूल वातावरण माना जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की गाइडलाइंस के अनुसार इन चीतों का देखभाल किया जाएगा। इन चीतों पर रेडियो कॉलर इंस्टॉल किया गया है ताकि इन्हें सैटेलाइट सिग्नल के द्वारा मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा इन सभी 8 चीतों को मॉनिटर करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जो कि 2400 घंटे इनकी आवागमन पर नजर रखेगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर भारत का इतिहास काफी लंबा रहा है। भारत का सबसे सफल संरक्षण अभियान प्रोजेक्ट टाइगर था, जिसे सन 1972 में शुरू किया गया था। इस अभियान से न केवल बाघों की संख्या में इजाफा हुआ था, बल्कि वाइल्ड लाइफ के पूरे इकोसिस्टम में भी सुधार हुई थी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।